अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था सिलेबस, आज आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है अस्सलामुअलैकुम टीचर। सलाम करना आप लोगों को पता है कि वैसे ही अल्लाह हमारे दीन में जो है वो सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। आप लोग जानते हैं कि सलाम करने से अल्लाह ताला ने सलाम के क्या मायने फरमाया, यानी कि सलामती हो। जब हम किसी को सलाम करते हैं तो हम उसको सलामती भेजते हैं और जब वो हमें वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं तो वो हमें भी सलामती ही पेश कर रहे होते हैं। आज हमारा चैप्टर है अस्सलामुअलैकुम टीचर। आप लोग स्कूल आते हैं, स्कूल में जब क्लास होती है तो फर्स्ट आप लोगों का क्या वो होता है कि आप लोग टीचर जब क्लास में एंटर होती है तो आप उसको सलाम करते हैं। ये चैप्टर है सायरा का। इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, सायरा की। सायरा रीड्स इन द स्टार प्राइमरी स्कूल। सायरा कौन से स्कूल में पढ़ती थी, स्टार प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है। सायरा शी रीड इन क्लास टू। सायरा कौन सी क्लास में पढ़ती थी, क्लास टू में। दिस इज सायरा क्लासरूम। ये सायरा का क्लासरूम है। हर क्लासरूम इज वेरी बिग, ये बहुत बड़ा है। इसमें एक ब्लैक बोर्ड है, डेस्क है, चेयर है, क्लॉक और मैप वॉल पे है, लगा हुआ है, ठीक है, हैंग हुआ हुआ है, और इसमें एक चार्ट भी बना हुआ है। आप लोग ये देख रहे हैं ए बी सी डी, इसका एक चार्ट इनके वॉल पे पेस्ट हुआ हुआ है। मिसेस सलीम कम इन। मिसेस सलीम क्लास में एंटर हुई, जो कि सारा की टीचर थी। सारे बच्चे अदब में उनके खड़े हो गए और उन्होंने उनको क्या पेश किया, सलाम। जब बच्चों ने कहा द चिल्ड्रन से अस्सलामुअलैकुम टीचर, मिसेस सलीम से, मिसेस सलीम ने उनको जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम। चिल्ड्रन दे ऑल सिट डाउन टू स्टडी इंग्लिश। मतलब कि टीचर ने उनको कहा वालेकुम अस्सलाम, सब बैठ जाइए और इंग्लिश की बुक निकालिए या इंग्लिश का जो चैप्टर वो एक्सप्लेन करिए, उसके बारे में उन्होंने उनको बताना शुरू किया और बच्चों ने इंग्लिश स्टडी करना, पढ़ना शुरू कर दी। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर दूंगी, उसमें मैं आपको सेकंड चैप्टर बताऊंगी के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड चैप्टर आप लोगों का है आई कैन बट। जब आप लोग इस असाइनमेंट के लिए स्कूल आएंगे तो मैं आप लोगों से इस चैप्टर के बारे में पूछूंगी और सलाम के कुछ आदाब बताऊंगी।